प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। आज हमको प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूं। कई भाई लोग बहुत उत्साही लोग हैं, जो मैं जो भी पद यहाँ पर बोलता हूँ उस पूरे के पूरे पद को पोस्ट कर दिया करते हैं। मैंने 4-5 हफ्ते पहले उनसे अनुरोध किया था कि आइंदा पोस्ट ना करें, सिर्फ रेफरेंस। यदि मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ निर्गमन अध्याय 20 और उसका 8वां पद, तो आप निर्गमन 20:8 इतना पोस्ट कर दीजिए, पूरा पद पोस्ट मत कीजिए। मैं बात बार बार भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, 14 महीने के जूम ने हम लोगों की आदतें बदल दी हैं और ये आदतें हमको बहुत अधिक नुकसान कर रही हैं। बिना बाइबल के हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने लगे हैं, खासकर ब्रदरन असेंबलीज में। जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है तो उसको बाइबल दिला दी जाती है और तब से लगभग हर एक की आदत है कि वो अपनी अपनी बाइबल लेकर चर्च में आते हैं और जब संदेश दिया जाता है तो सब लोग बाइबल खोलकर पढ़ते हैं। 21वीं शताब्दी में ये हम सबकी आदत बन गई है, लेकिन जूम ने हमारी ये आदतें बदल दी हैं। हमें उन आदतों की ओर वापस जाना होगा। इस कारण प्रिय भाइयों बहनों, मेरा अनुरोध है कि जूम के सामने बैठे तब भी अपनी गोदी में बाइबल रखकर बैठें, जो पद हम मैं बोलता जाता हूं उसको अपनी बाइबल में पढ़ते जाएं। नंबर 2, ये शास्त्री जी या भाई रंजीत जैसे लोग बोल नहीं सकते, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक बहुत सीनियर व्यक्ति हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं और इसको जरा गंभीरता से सुन ले। हम जूम के समक्ष नहीं बैठे हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए जब हम बैठते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। इसलिए दया करके प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो जैसे चर्च में जाने के लिए तैयारी करके बैठते हैं वैसे ही बैठें। कई बार क्या होता है कि आपकी गलती से आपका वीडियो खुला रह जाता है और हमको देख के बड़ा दुख होता है कि आप तो अधनंगे बैठे हुए हैं। यदि आज अधनंगे बैठे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल आप नंगे नहीं बैठे होंगे? याद रखें, आदतें बिगड़ती चली जाती हैं, खासकर यदि विश्वासी अपने जीवन में गलत आदतें डालता है। और ये मैं सही कह रहा हूं, ऐसा एक से अधिक बार हुआ है जब हमको जबरदस्ती लोगों के वीडियो ऑफ करने पड़े जिससे कि उनकी नग्नता लोग ना देखें। और कम से कम एक ऐसा अवसर हुआ है जब हमको वीडियो काटना पड़ा। क्यों? एक बहन पूर्ण प्रदर्शन करते हुए वीडियो के सामने आके पति के पीछे खड़ी हो गई। ये ना तो आपकी इज्जत के लिए अच्छा है, ना ही प्रभु की उपस्थिति में सही बात है। मैं आगे बढ़ने से पहले, हम लोग 10 आज्ञाओं की का अध्ययन कर रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब हम किस तरह से अपने आप को ढांपते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है क्या, पुराने नियम की व्यवस्था में याजक लोग ऊपर से नीचे तक का भारी कपड़ा पहनते थे। ऐसा मेरा अनुमान है कि वे लोग जो चोगा ऊपर से नीचे तक का पहनते थे कम से कम 3 से 5 किलोग्राम वजन का होगा, मतलब एकदम मोटा हाथ का बुना हुआ कपड़ा।
इसके बावजूद याजकों और महायाजकों के लिए प्रभु के वचन में ये आदेश था कि वे वस्त्र के नीचे जो अधो वस्त्र है वो भी पहने, और उसका कारण प्रभु के वचन में स्पष्ट बताया है कि जिससे तेरी नग्नता ना दिखे। अधो वस्त्र पुराने नियम में पुरुष याजक लोग जो अधो वस्त्र या जो जांघिए पहनते थे वो बर्म्यूडा के शेप में होता था, आज बर्म्यूडा जिसे कहा जाता है, घुटने के नीचे जाता है, इतना बड़ा कपड़ा उनको पहले नीचे पहनना पड़ता था, उसके ऊपर पुरोहित का वस्त्र पहनते थे, तब परमेश्वर ये मानते थे कि हाँ परमेश्वर की उपस्थिति में तुम इस तरह से आओगे तो तुम्हारी नग्नता छुपी हुई है। इस कारण आज हम प्रभु की उपस्थिति में जब बैठे हुए हैं, ढंग से बैठे, कायदे से बैठे, ये ना सोचे कि हम एक वीडियो के सामने, एक मोबाइल के सामने बैठे हैं। इस बात को याद रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में ना तो लापरवाह हूं, ना ही जो काम प्रभु का वचन जो बातें बताता है उन बातों की उपेक्षा करें। पिछले कई हफ्तों से अपन 10 आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं, और 10 आज्ञाओं के अध्ययन के आरंभ में मैंने ये बात बताई थी। आज एक दो लोग नए आए हैं इसलिए क्विकली बता दूं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि नए नियम के विश्वासी व्यवस्था के अधीन नहीं है। यहाँ व्यवस्था शब्द एकदम से सबको लपेट कर जब बोल दिया जाता है तो बड़ी गलत फहमी होती है। पुराने नियम की व्यवस्था के 3 खंड हैं, और हमको ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि उनमें से हम किस खंड की बात कर रहे हैं। व्यवस्था का जो पहला खंड है वो यहूदियों के सामूहिक जीवन को नियंत्रित करता था, सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता था। हम यहूदी नहीं है इसलिए हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था का दूसरा हिस्सा यहूदियों के जो कर्म कांड और अनुष्ठान है उनको नियंत्रित करता था। चूंकि प्रभु यीशु ने सूली पर वे सारी बातें पूर्ण कर दी इसलिए आज हम उन कर्म कांडों के अधीन नहीं है। लेकिन व्यवस्था का एक तीसरा हिस्सा है और वो है शाश्वत नियम। शाश्वत मीन्स हर समय, हर काल, हर युग में ये नियम लागू होते हैं और इनका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। 10 आज्ञाओं में से 9 आज्ञाएं शाश्वत नियम है, हर युग में मसीहियों और गैर मसीहियों के लिए भी एप्लीकेबल है। एकाद तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना वो डायरेक्टली प्रभु के बच्चों के लिए है, लेकिन यदि कोई गैर मसीही परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेता है तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि यदि मसीही लोग और यहूदियों के लिए परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना मना है तो जो गैर मसीही है उनके लिए मना है और उनकी सजा तो और भी कड़ी होगी। आप पूछेंगे एकदम से कि गैर मसीही लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं कि जी हाँ बहुत अधिक लेते हैं, बहुत अधिक लेते हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों को इसका अनुमान नहीं है लेकिन लेते हैं। मैं उसके डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखें गैर मसीही लोग भी प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं और प्रभु का नाम व्यर्थ लेने को प्रभु का वचन मना करता है। आज मैं निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय के 8वें पद से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन 20 का 8। निर्गमन 20 के 8 में हम देखते हैं, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन का मतलब है हफ्ते का 7वां दिन, शनिवार, यहूदियों के लिए सबत का दिन। तो यहूदी लोगों को जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तब बहुत कड़ाई से कहा था कि सबत का दिन जो है उसको पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये उनका सामाजिक नियम था। वे जिस समाज में रहते थे या जिस देश में रहते थे उस देश और समाज में पालन करने के लिए प्रभु ने यह नियम दिया था, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो जब हम इस बात को सुनते हैं तब एकदम से मन में ये बात
शायद आए कि अच्छा, ये तो उनका सामाजिक नियम है और इसलिए मुझे ये नियम ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि प्रभु ने यहूदियों को सामाजिक नियम जो दिए थे उनके पीछे भी बहुत सारे आत्मिक कारण थे, और यदि सामाजिक नियमों के बीच में आत्मिक कारण थे तो आज हम यहूदी नहीं हैं इसके बावजूद इन सामाजिक नियमों के पीछे जो आत्मिक कारण है उन कारणों को ढूंढना और ये कारण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं या नहीं, इनको जानना हमारे लिए जरूरी है। इस कारण मैं याद दिला दूं, प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद से प्रभु के अनुयायी लोग जिस दिन प्रभु पुनर्जीवित हुए थे मतलब संडे, उस दिन आराधना करते हैं और उस दिन को आराधना के लिए वो लोग उन लोगों ने अलग करके रखा है। अब हम शनिवार को आराधना नहीं करते हैं। इसके एक दो अपवाद हैं, यदि विश्वासी लोग एक ऐसे देश में हैं जैसे अरब कंट्रीज में हैं जहां उनको शुक्रवार को छुट्टी मिलती है या शनिवार को छुट्टी मिलती है तो वे लोग संडे के बदले शुक्रवार की शाम को या शनिवार की शाम को प्रभु की आराधना करते हैं। क्योंकि संडे के दिन हम आराधना जरूर करते हैं लेकिन नए नियम में प्रभु ने अपने बच्चों को काफी कुछ आजादी दी है, इस कारण वे लोग शुक्रवार को छुट्टी मिलती है तो शुक्रवार को आराधना करते हैं, शनिवार को यदि ऑफिस बंद रहते हैं तो शनिवार को करते हैं, क्योंकि संडे का दिन अरब कंट्रीज में वर्किंग डे होता है या काम करना पड़ता है। तो अब विश्राम दिन की ओर आते हैं, शनिवार का दिन। ये जो नियम है ये यहूदियों का सामाजिक नियम है, हमारे ऊपर हमारे लिए बाधक नहीं है, हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, यहूदियों को प्रभु ने सातवां दिन विश्राम करने को जो कहा था उसके पीछे का क्या कारण है इसको जरा जांच लें। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं तब प्रभु के वचन से हम देखते हैं कि सबत का जो दिन है उस दिन विश्राम करने के लिए परमेश्वर ने जो कहा है उसके पीछे कारण है। नंबर वन, प्रभु चाहते हैं कि हम हफ्ते के 6 दिन कठोर परिश्रम करें। प्रभु ने स्वयं कहा है कि हम परिश्रम करें, लेकिन 6 दिन परिश्रम करने के बाद टोटल जो 7 दिन है उसमें से 7वां हिस्सा कम से कम हमें अलग करके रखना चाहिए जिस दिन हम अपने घर परिवार के साथ अन्य विश्वासियों के साथ प्रभु का नाम याद करें, प्रभु को स्मरण करें और सामूहिक रूप से प्रभु को माथा टेकें। अब तो माथा टेकना मुश्किल हो गया है क्योंकि चर्चेस में कुर्सियां डाल दी जाती हैं और 2 कुर्सियों के बीच में दूरी इतनी कम होती है कि आप माथा टेकने के लिए जमीन पे घुटने टेकें तो आपके आगे जो बैठा है उसका सर आपके पैर के ऊपर होगा। विदेशियों की देखा देखी, हमने आराधनालयों में जो बदलाव किए हैं वो हमारी आदतों में भी बदलाव ला रहा है, ये मैं आपको याद दिला दूं। और ये एक बहुत बुरी बात है, हमारे बच्चे पैदा होने से पहले ही संडे के दिन कुर्सी पे बैठ लेते हैं और इस कारण कुर्सी के नीचे बैठना उनको बड़ा अपमान मालूम पड़ता है। मैं ये अक्सर देखता हूं, मैं एक बड़े चर्च का मेंबर हूं जहां कम से कम 50-55 परिवार हैं और शहर में होने के कारण इस चर्च में अक्सर विजिटर्स आते हैं, कई बार 10-10, 15-15 विजिटर्स, खासकर एग्जाम का जो सीजन है उसमें यूनिवर्सिटी यही है और इस कारण काफी सारे लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों को एग्जाम के लिए भेजकर वो चर्च आ जाते हैं। चर्च में बैठने की जगह नहीं होती है, उस समय बच्चों को आगे बढ़कर चटाई पर बैठने के लिए जब कहा जाता है
तो हर बच्चा देखता है कि बगल वाला बैठ रहा है क्या, बगल वाला बैठ रहा है क्या, ये बगल वाला बैठ जाए मैं काहे को जमीन पे बैठूं। प्रभु का वचन, प्रभु की आराधना के लिए साष्टांग प्रणाम करने को कहता है। भजन में जहां भी प्रभु की आराधना के लिए कहा है वहां साष्टांग प्रणाम करने के लिए कहा गया है। इसलिए हम लोगों को जरा जांच कर देखना चाहिए कि चर्चस में यूरोप वालों की नकल करके हमने कुर्सियां डाल दी हैं, उसके कारण हमारी आराधना का जो तौर तरीका है वो बदल रहा है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, ये हर माँ बाप को सोचना चाहिए और जो युवा भाई बहन सुन रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। मेरा जो चर्च है उसमें तो जगह की भारी कमी है, लेकिन इसके बावजूद कई भाई लोग और कई बहन लोग जब प्रभु की स्तुति करते हैं उस समय जमीन पर बैठकर स्तुति करते हैं। उसके लिए उन लोगों ने तमाम तरह के तरीके निकाल लिए हैं। कम से कम एक भाई हैं जो हमेशा वो किनारे पे ही बैठते हैं, तो एक तरफ स्त्रियां हैं एक तरफ पुरुष हैं, बीच में चटाई है, किनारे पर बैठे तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब सब आंख बंद किए हैं तो वो जो बीच में जो चटाई है या टाटपट्टी है उसी पे घुटने टेक लिया करते हैं, बहुत बड़ी बात है। जहां चाह वहां राह, तो एक चर्च जहां पर बैठने की जगह नहीं है वहां घुटने टेकने के लिए भी लोगों ने रास्ते निकाल लिए। ऐसे कई भाई और बहन हैं मेरे चर्च में जो प्रभु भोज से पहले प्रभु की जब स्तुति की जाती है तब बाकायदा घुटने पर बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए प्रभु ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के पीछे जो बातें छुपी हुई हैं वे आज भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। आराधना की वो भावना हमारे जीवन में होनी चाहिए, नहीं हो तो धीरे 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 हम प्रभु की उपेक्षा करने लगेंगे। मुझे अभी भी याद है ग्वालियर में जो चर्च है वहां एक समय इंग्लैंड से एक अंग्रेज आया करता था, ग्वालियर में एक कंपनी का मैनेजर था। संडे को आते ही देख लेता था कि सबसे ऊंची कुर्सी खाली है क्या, उसी पे बैठता था, लेकिन बाइबल जमीन पे पटक देता था। मेरे आपके मन में परमेश्वर के प्रति जो विनय है वो विनय समाप्त हो जाएगा तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा। आज जब प्रभु का वचन कहता है तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, तो उसके पीछे छुपी हुई बातों में एक यह है कि प्रभु के प्रति मेरे आपके मन में आदर, भय और विनय होना चाहिए। लेकिन जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी को ढूंढता जाता है उसके मन में विनय नहीं है, और जब विनय नहीं होगा तो प्रभु के वचन के प्रति आदर भी नहीं होगा, तो आते ही बाइबल जमीन पर पटक देता था और मुझे देखकर बहुत परेशानी होती थी। लेकिन उसमें मैं बहुत छोटा था, कुछ नहीं कर पाता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो चर्च में एक एल्डर थे राजेंद्र सिंह, जिनके छोटे पुत्र इस समय रायपुर इलाके में प्रभु की सेवा करते हैं। अंकल से मैंने कहा कि अंकल ये बहुत अनहोनी हो रही है। उन्होंने फिर इस मामले में लोगों को टाइट करना शुरू किया कि जिस प्रभु के वचन से हम प्रभु के बारे में जानते उसको जमीन पे पटक रहे हैं, आप आराम से कुर्सी पे बैठे हैं। और इस अंग्रेज की तो ये आदत थी कि बाइबल जमीन पे पटक के बैठ गया, उसके बाद प्रचारक खड़ा हुआ, आइए हम प्रभु के वचन से फलाना पद पढ़ेंगे, तो वो बाकायदा मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले और गांठ बांध ले कि यदि हम प्रभु को आदर, प्रभु को भय नहीं देंगे और हमारे जीवन में विनय नहीं होगा तो हम प्रभु के वचन की पहले तो उपेक्षा करेंगे, बाइबल को जमीन पर पटक देंगे, उसके बाद उसका अपमान करेंगे। हिंदुस्तान में ऐसा कोई धर्म नहीं है, मसीही विश्वास के अलावा ऐसा कोई समूह नहीं है जो कि अपने पवित्र शास्त्र का अपमान करता हो।
जैसे ही प्रचारक ने बोला कि आइए हम निर्गमन 20 खोलें, तो ये अंग्रेज पैर बढ़ाकर बाइबल को अपने पैर से अपने पास खिसकाता था, उसके बाद उसको हाथ में उठाता था। यदि उसके पैर फ्लेक्सिबल होते तो हाथ में लेने के बदले पैरों से वो बाइबल खोल लेता। याद रखें, ये जो आज्ञा है विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, इसका जो मतलब है, इसका जो इसके पीछे छुपा हुआ जो प्रिंसिपल है, वो सिर्फ सबत से संबंधित नहीं है। परमेश्वर के प्रति भय भक्ति और भय और भक्ति के कारण परमेश्वर के प्रति जो विनय हमारे मन में आना चाहिए, और भय और भक्ति और विनय होगा तो प्रभु का वचन हम किस तरह से हैंडल करेंगे ये सब बदल जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में एक कौम है जो अपने पवित्र ग्रंथ को हाथ में भी लेके नहीं जाता। सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़े तो उसको हमेशा सर पे रख के ले जाते हैं, और जस्ट सर पे पटक नहीं देते हैं, दोनों हाथों से पकड़ते हैं, और उसके ऊपर बहुत ही महंगा सिल्क का कपड़ा डाल के उसको कवर करते हैं, और आगे एक आदमी एक झावर लेके चलता चला जाता है जिससे मक्खी भी ग्रंथ साहब के ऊपर बैठने ना पाए। ये है हम भारतीयों का कायदा। मुस्लिम्स अपने ग्रंथ को कभी जमीन पर नहीं रखते हैं, उसके लिए विशेष प्रकार का स्टैंड होता है जिसके ऊपर रखते हैं, या उसको हाथ में लेकर गोदी में रखते हैं, जमीन पे नहीं रखते हैं। तो जब एक दिन को पवित्र मानने के लिए परमेश्वर ने कहा है, तो उसके पीछे जो भावना है परमेश्वर के प्रति भक्ति भय और विनय, वो हमारे जीवन के हर पहलू में दिखना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। दूसरी बात, हफ्ते में कम से कम एक दिन, 7 दिन में से एक दिन हमें आत्मिक बातों के लिए अलग रखना चाहिए। कई बार नौकरी वगैरह के कारण हम इन बातों को भूल जाते हैं। हाँ, यदि आप एटमिक एनर्जी में काम कर रहे हो जहां संडे के दिन आपको जाना ही पड़े, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, तो बात अलग है। वहां पर भी कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप बच सकते हैं, लेकिन अपवाद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब कहता है कि एक दिन हफ्ते में एक दिन अलग करके रखना है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ऐसा करें। हाँ, यहूदियों के लिए सबत 7वां दिन पवित्र मानने के लिए कहा था, मसीही के लिए हर दिन पवित्र है। ये एक फर्क है, मसीही हर दिन को पवित्र मानता है, हर दिन परमेश्वर को स्मरण करने के लिए पवित्र मानता है, और इसलिए उसे हर दिन ये चीजें याद रखनी चाहिए। 9वें पद में हम देखते हैं, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, निर्गमन 20 का 9, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर के लिए यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के बीच में हो। इसके 2 कारण है। नंबर 1, यदि परमेश्वर इस तरह से हमारे लिए एक दिन फिक्स नहीं कर देते तो मनुष्य मनमानी करेगा। मनुष्य का स्वभाव है कि उसका अवसर मिलेगा तो वो मनमानी करेगा। आदम और हव्वा को देखिए, उनको थोड़ी सी आजादी मिल गई, तुरंत जाके जो निषिद्ध वृक्ष है उसका फल खाया, और वो खाया तो किसका खाया, जिसको मना किया था, उसी के आसपास कहीं तो जीवन का वृक्ष रहा होगा। और आपको लगता है क्या कि आदम और हव्वा अंधे थे? उनको सब कुछ दिखता था, सब कुछ मालूम था। आदम ने तो हर चीज को नाम दिया था, और आदि माता और आदि पिता तो मैच्योर सृष्टि किए गए थे,
इसलिए उनको सब बात की जानकारी थी। लेकिन देखिए बुद्धि कैसे मारी गई, जैसे हिंदी में अपन कहते हैं मति मारी गई, बुद्धि मारी गई। अरे खाना ही था, फल के प्रति इतना आकर्षण था, भूख लग रही थी, अदन की वाटिका में भूख की तो भूख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, सर्वोत्तम फलों से भरा हुआ था। मान के चलिए कि भूख लग रही है, तो जीवन के वृक्ष का फल खा लेते, जिससे कि शाश्वत जीवन तुम्हारा हो जाता। नहीं किया। जब हव्वा को पाप किया हुआ देखा, तब आदम एक काम कर सकता था, उस फल को तोड़कर खा सकता था, जीवन के वृक्ष का फल, उसके बाद उसका फल हव्वा को दे सकता था, क्योंकि मनुष्य के पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने यह बात कही है कि जीवन का वृक्ष का फल जो खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा। शब्दशः मनुष्य की मति मारी गई थी। ये बात अभी मैंने क्यों यहां पर यह बात कही, इसलिए कि मनुष्य को आजादी मिले तो वो हर तरह का नियम और कानून पूरी तरह से तोड़ दे। कुछ मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है जैसे कि वो बैठा हो नियम और कानून को तोड़ने के लिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, 6 दिन परिश्रम करना, सब कुछ करना। इसका मतलब है कि जो करना है सब करो, और जो निपटाना है उसको निपटा दो, लेकिन 7वां दिन उसमें किसी भांति का कामकाज नहीं करना है। अच्छा, मैंने ये बात कही कि मनुष्य को अवसर मिले तो वो हर तरह के नियम और कानूनों को तोड़ दे। यहूदी लोग करते हैं क्या? जी हाँ करते हैं। ये फरीसियों ने तमाम तरह के नियम बनाए थे जिनकी मदद से वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ देते थे। आज भी यहूदी लोग जहां बसे हुए हैं वहां पर इस तरह के उन्होंने तमाम तरह के मनुष्य निर्मित नियम बना रखे हैं जिनकी मदद से वे प्रभु के वचन को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क नाम की जगह जहां यहूदियों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, वहां बिजली के तारों को आप ध्यान से देखें तो बिजली के तार जहां है, हर जगह नहीं होते क्योंकि आजकल वो जमीन के नीचे से बिजली ले जाते हैं, बिजली के तार जहां है देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे उसमें एक तार तो भिन्न है, और जहां बिजली के तार नहीं है ऐसे कई जगह आपको ये खींचे हुए नजर आएंगे, ये प्लास्टिक के तार हैं। क्यों? उन यहूदियों ने ये नियम बना दिया है कि ये प्लास्टिक का तार खींच कर हमने जो सर्कल बना दिया है, उस सर्कल के अंदर जितने यहूदी रहते हैं वे एक ही घर में रहते हुए माने जाएंगे, और चूंकि एक घर में रहने वाले इधर से उधर जा सकते हैं, इसलिए मनुष्य निर्मित ये जो सर्कल है इसके अंदर यदि 1000 यहूदी परिवार हैं तो ये 1000 यहूदी परिवार बाकायदा कार चला के एक दूसरे के घर जा सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, और उसको कर्म नहीं माना जाएगा। सबत के दिन कर्म करने को ही तो प्रभु ने मना किया था। तो मनुष्य को जब आजादी मिल जाती है तो वो प्रभु के बनाए हुए हर नियम को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए प्रभु ने लिखित रूप में यह व्यवस्था दी कि ना कोई व्यक्ति, ना बेटा बेटी, ना दास, ना दासी, ना पशु, ना परदेशी वे काम करें। 11वें पद में हम एक बात देखते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ है उनमें सबको बनाया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपन निर्गमन 20 का अध्ययन कर रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं इसको अभी सुन लीजिए, चाहे तो प्रभु के वचन आपके सामने जो खोलकर आपने रखा उसमें से देख लीजिए, लेकिन बाद में जब आप फ्री हो जाएंगे तब इस बात को एक बार और देखकर एक पेंसिल लेकर इस शब्द को हर जगह सर्कल कर लीजिए या लाल कलर कर दीजिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग आदत है,
लेकिन बाइबल पर इस तरह से निशान डालना बाइबल के अध्ययन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि अभी जिस बात को आपने देखा कि महत्वपूर्ण उस पर निशान डाल दिया, तो अगली बार आप पढ़ेंगे तब आपको वो सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, उसके साथ कुछ बातें और भी याद आ जाएंगी। पहले पद में पहले सबसे पहले तो पांचवें पद में हम देखते हैं, पांचवें पद में लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। उसके बाद सातवें पद में हम देखते हैं क्योंकि जो यहोवा का नाम। उसके बाद ग्यारहवें पद में अभी हमने पढ़ा क्योंकि। इस एक शब्द के महत्व पर आपने कभी ध्यान दिया है क्या? हम लोग प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं तब कई बार बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बातों की उपेक्षा करते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे अनुरोध किया था, प्रिय भाई प्रिय बहन, हर समर्पित मसीही को एक हर मसीही के पास अपने स्वयं का बाइबल होना चाहिए, और मेरा अनुमान है कि आप सबके पास है। मैं जब एक युवा था तब बाइबल इतने महंगे होते थे कि एक बार मैं अपने फादर के सामने फूट फूट कर रोया। मैं नवी में था और जब मैं नवी क्लास में पढ़ता था तब भी मेरे पास अपने स्वयं की बाइबल नहीं थी। नवी में मैंने फादर से रिक्वेस्ट किया। मैं आपको याद दिला दूं, मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। पहली क्लास में आने से पहले ही मैं पढ़ना सीख गया था। अंग्रेजी के जो अक्षर हैं 26, वो मैंने अपने आप सीखे, स्कूल जाके नहीं। ऐसे बच्चे के लिए जो पहली क्लास से अच्छी तरह से पढ़ना जानता है और जिसके लिए किताबें उसका जीवन है, उसके पास जब वो नवी क्लास में था तब मेरे पास अपने स्वयं के बाइबल की कॉपी नहीं थी। बाइबल इतने महंगे हुआ करते थे, आज हम सबके पास बाइबल है। इस कारण उस बाइबल का इस तरह से उपयोग करें कि वो हमारे आत्मिक जीवन को और अधिक प्रोत्साहित करे। इसलिए मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, बाइबल पढ़ें, उसके साथ एक डायरी जरूर रखें। आपको जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा नोट करते चले जाएं। एक पेंसिल जरूर रखें, कलर पेंसिल हो ये आपकी चॉइस है, पेंसिल जरूर रखें। और जो भी महत्वपूर्ण पद हैं जो आपको स्पर्श करते हैं उन पदों पर निशान लगाते चले जाएं। मैंने ऐसे ही आरंभ किया, बाद में मेरी आदत हो गई, मैं चार प्रकार के कलर यूज करने लगा। विश्वासी को जहां भी प्रभु के वचन में खतरे की बात बताई जाती थी ऐसा नहीं करना, तो उसको लाल रंग से करता था। विश्वासी के जीवन में फलवंत होने के बारे में जो जो भी पद थे, जैसे आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, दिल इत्यादि है, उसको हरे रंग से कर देता था, क्योंकि हरा रंग खेत को दिखाता है। इस तरह से मैं चार रंग में किया करता था। आप पूछेंगे आजकल क्या करते हैं? हर एक युग के हिसाब से मैं अपने पढ़ाई के तरीके बदलता चला गया। अभी भी मैं बाइबल को मार्क वगैरह करता हूँ, लेकिन सब कुछ कंप्यूटर पर करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत उस तरह की है कि कंप्यूटर पर कम से कम एक दर्जन बाइबल ट्रांसलेशन एक साथ लोड करके अंग्रेजी में भी देखता हूँ, हिंदी में भी देखता हूँ, ग्रीक में भी देखता चला जाता हूँ, और उस हिसाब से वहीं पर नोट्स लिखता चला जाता हूँ, जो कि कलर करने की तुलना में काफी ज्यादा उन्नत लेवल की स्टडी है। तो कलर करने की आदत इस कारण एक तरीके से कहा जाए तो अब तकनीकी हो गया है, लेकिन आदत नहीं गई है। हर विश्वासी की ये आदत होनी चाहिए। और आज इस बात को नोट करें कि नीति वचक निर्गमन 20वें अध्याय को खोलकर
हम अभी सिर्फ 11 पद तक आए हैं, लेकिन आप कंप्लीट उसको पढ़िए और इस पूरे अध्याय में जहां भी क्योंकि कहा गया है उस पर निशान डालिए। अच्छा, मैंने इतना क्यों, एक एक शब्द के बारे में इतना क्यों एक्सप्लेनेशन दी, इसके पीछे कारण, यदि सर्वेश्वर इस दुनिया के सृष्टा, जब हम मैच्योर लोगों को, मतलब परिपक्व लोगों को अपना वचन देते हैं, तब यदि उसका कारण बताते चले जाते हैं, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जब अपने बच्चों को, जो मेरे आपके बराबर मैच्योर नहीं है, जब इन बच्चों को प्रभु का वचन सुनाते हैं, तो हर जगह उनको क्योंकि बताते चले जाएं। परमेश्वर के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि हमको कारण बताए कि क्यों परमेश्वर हमको ये आज्ञा दे रहे हैं। कारण बताए ही बिना ही इस आज्ञा को, इन आज्ञाओं को मानना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन याद रखें, पूर्ण रूप से मैच्योर और परिपक्व लोगों को जब प्रभु ने अपनी आज्ञा दी, तब भी प्रभु कारण बताते चले गए, जिसका मतलब यह है कि मैं और आप अपने बच्चों को जब प्रभु का वचन सुनाएंगे, तब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जो भी आज्ञा दे रहे हैं उसका कारण बताते चले जाएं। कई माँ बाप क्या करते हैं, अरे ऐसा मत करना, जीसस तुमको मारेंगे। अरे बाप रे, ये आदिम युग में हम जी रहे हैं क्या, जो बच्चों को इस तरह की मूर्खता की बातें बता रहे हैं। बच्चों को तो यह सिखाना चाहिए परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम करने वाला परमेश्वर अनुशासन भी करते हैं, ये बोलना चाहिए। मैं अक्सर मैं सर पीट लेता हूं, अरे बेटा ये मत करना, जीसस तुमको मारेंगे। अरे पप्पू इधर तो आओ, याद रखना मम्मी बुला रही हैं, तुम नहीं आओगे तो जीसस तुमको मारेंगे। ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो मैं सुनता हूं। प्रभु के वचन में एक बार भी इस टोन में प्रभु का वचन नहीं बोलता है। यहां साफ साफ लिखा है 11वें पद में या 10वें पद के आखिर में, ना तेरा दास ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो फाटकों के भीतर हो काम ना करे, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ है उसको बनाया, खत्म नहीं हुआ, और 7वें दिन विश्राम किया, खत्म नहीं हुआ। इस कारण, क्योंकि इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। बाकायदा कारण बताया गया है, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि कर ली, 7वें दिन परमेश्वर ने ना केवल विश्राम किया, विश्राम किया का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर थक गए थे, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो कर रहे थे बस उसको सबको छोड़ दिया और उस दिन को अनुग्रह दिया, उस विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए ये बहुत जरूरी है, वे इस बात को समझें कि हमारे जीवन में यदि हमको पूर्ण आजादी दी जाती है, तो अच्छा चुनने के बदले हम हमेशा बुरा चुनेंगे। हव्वा जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा सकती थी, नहीं खाया, और फल जब हव्वा ने खा लिया, आदम ने जब आदम हव्वा के पास आया तो हव्वा को देखकर उसने सर पीट लिया। उसके बाद कम से कम वो तो इतना कर सकता था कि जाकर जीवन के वृक्ष का फल खुद भी खा ले और अपनी पत्नी को खिला दे। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने ही जीवन का वृक्ष रखा है, और इस कारण यदि गलती की है तो उसका शायद पूरा हल तो ना निकले, लेकिन काफी कुछ हल निकल सकता है यदि जीवन के वृक्ष का फल
मैं खा लेता हूं और अपनी पत्नी को देता हूं। मती मारी गई। मनुष्य को जब आजादी मिल जाती है तो जो करना चाहिए उसके बदले वो वही करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने ये नियम बनाया और उसके बाद उस नियम का एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि इस कारण यहोवा ने, क्यों यहोवा ने उसको पवित्र ठहराया, आशीष दी, इस कारण तुम भी उस दिन को पवित्र मानना। ये यहूदियों के लिए सामाजिक नियम था, विश्वासियों के लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए नए नियम बार बार याद दिलाता है। हर विश्वासी हर दिन को धन्य माने, हर दिन को पवित्र माने और हर दिन उस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति दे और हर दिन ये निर्णय ले कि आज का दिन मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार बिताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी है उसके बारे में मैं फिर से वापस आऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं भाइयों बहनों आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रभु जब आपको एक नया दिन देते हैं, वो नया दिन आप किस सोच के साथ, किस नजरिए के साथ, अंग्रेजी में कहा जाए तो किस एटीट्यूड या आउटलुक के साथ सुबह आप उठते हैं? आपको ये याद रखना चाहिए, सुबह जब आप उठते हैं तब एक सच्चे मसीही का नजरिया ये होना चाहिए, प्रभु पिछली रात सारी दुनिया में 10,000 में लोग गुजर गए, मैं भी गुजर सकता था, मैं उनसे ज्यादा पवित्र नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे एक और दिन दिया जिसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में आपका जो उद्देश्य है वो समाप्त नहीं हुआ है। और यदि प्रभु मेरे जीवन में, यदि नहीं सही शब्द है, चूंकि प्रभु मेरे जीवन में आपका उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए और 24 घंटे या 12 घंटे प्रभु जितने भी आपने मुझे दिए हैं मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके नाम की महिमा के लिए इस दिन का उपयोग कर सकूं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो जिंदगी से थक गया, खासकर 50 की उम्र के बाद ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, मैं जिंदगी से थक गया, जिंदगी से ऊब गया, किसी भी दिन मैं जाने के लिए तैयार हूं। 60 के बाद जो है ये जो आलाप है और ज्यादा हो जाता है, मैं किसी भी दिन जाने के लिए तैयार हूं। 70 के बाद तो लोग बहुत जोर देकर बोलते हैं कि बस प्रभु जीवन से थक गया हूं, जीवन से, जिंदगी से मेरा मन भर गया है। इन सब के बीच में, इन सब के जीवन में जो गलती हो रही है वो गलती यह है कि वे इस बात को पहचानने, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि यदि प्रभु ने दिया है तो प्रभु का एक मकसद है। और जब आप कहते हैं कि जिंदगी से मुझे विरक्ति हो गई है, तो आपके कहने का मतलब है कि आपके जीवन के प्रति या आपके जीवन के द्वारा प्रभु अपने राज्य में जो करना चाहते हैं आपको उसके प्रति विरक्ति हो गई है। कैसी भयानक बात है जो आप बोल रहे हैं। मैं इसके पहले कई बार याद दिला चुका हूं कि मैं एक बहुत बीमार व्यक्ति हूं। मैं अक्सर याद दिलाया करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करें। पिछले कम से कम 30 साल से बहुत ज्यादा दर्द से सामना करना पड़ता है। मेरे शरीर के कई अंग हैं
जिनमें 2400 घंटे दर्द रहता है। अब यदि 2400 घंटे दर्द रहता है तो 2400 घंटे दर्द के लिए दवा तो ली नहीं जा सकती, क्योंकि आज भी है, कल भी है, परसों भी है, इसलिए दवा नहीं लेता। बहुत सहन के बाहर हो जाता है तब लेता हूं। इन 2400 घंटे दर्द होने के बावजूद हर दिन जब मैं उठता हूं तो ओहो हो, प्रभु ने मुझे एक दिन दिया है, आज तो बहुत कुछ करना है, इस नजरिए से उठता हूं। आप कहेंगे कि शास्त्री फिलिप के बदले ये तो संत फिलिप हो गए। जी नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं कोई संत हूं। हाँ, शास्त्री टाइटल लोगों ने दे दिया मुझे, उस टाइटल से कोई एतराज नहीं है, लेकिन संत नहीं हूं। और मैं यदि सुबह उठते समय इस खुशी के साथ उठता हूं तो उसका कारण यह नहीं है कि मैं संत हूं। कारण यह है कि आज से बहुत साल पहले जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, ये 1971 की बात है, तब इस बात को पहली बार मैंने पहचाना कि मेरे जीवन के लिए प्रभु की एक इच्छा है, और तब से मैं इस समर्पण के साथ जी रहा हूं। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। मैं परफेक्ट नहीं हुआ, 1971 से 2081 का मतलब है 50 साल, आधी शताब्दी बीत गई, आधी शताब्दी में मैं परफेक्ट नहीं हुआ, मुझ में पूर्णता नहीं आई, लेकिन हाँ ये बात मैं हिम्मत के साथ आप में से हर व्यक्ति को बता सकता हूं, 2400 घंटे दर्द सहन करने के बावजूद जिसका जिसमें से कुछ का कोई इलाज नहीं है, कुछ का इलाज है, बीच बीच में मैं सर्जरी करवाए लेता हूं, और इन दिनों तो हो नहीं सकती है सर्जरी, इसलिए आगे करेंगे ये सोच के बैठा हूं। 2400 घंटे दर्द सहन करने के बाद बावजूद जब मैं उठता हूं किसी दिन, तो मैं हमेशा ये कह के उठता हूं, प्रभु आज तो आपके लिए बहुत कुछ करना है, मेरी मदद कीजिए। और एक बात जो सुन के लोगों को बहुत ताज्जुब लगता है, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं दीर्घायु चाहता हूं, लोग पूछते पागल हो गए हो क्या, दीर्घायु लंबी उम्र। पहले मैं कहा करता था कम से कम 80, क्योंकि मुझसे तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 35 साल की उम्र में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, बीमारियां इतनी थी। पहले मैं 80 के लिए प्रार्थना करता था, फिर 90 के लिए प्रार्थना करना लगा। अब तो प्रभु से मेरी विनती है, प्रभु साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितना भी दें प्रभु उतना कम है, मैं जो कर सकता हूं इस जिंदगी में वो इसके बाद नहीं कर सकता, इसलिए करने के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब हम अपने बच्चों को प्रभु के वचन की ट्रेनिंग दें तब हर चीज का कारण बताएं, और जब हम उनको कारण बताकर प्रभु का वचन बताएंगे तब लापरवाही करने के बदले हर चीज को समझ कर करेंगे, और जब हर चीज को समझ कर करने लगेंगे तब उनके सोचने का तरीका बदल जाएगा। यदि उनके साथ ही उनसे कहें कि आओ क्लास छोड़कर आज तो पिक्चर देखने चलें, तो एक औसत मसीही बच्चे का जवाब होता है पापा मारेंगे मम्मी मारेंगे। साथी लोग कहते हैं अरे बाप रे, डरपोक है डरपोक है। बच्चे को यदि आप सही ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा जवाब देगा मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आया हूं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, और यदि मैं सही रीति से पढ़ाई करूंगा तो मैं जीवन में कुछ बन सकूंगा, और यदि मैं जीवन में कुछ बन सकूंगा तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा कि मैं अपनी इच्छा का कार्य करूं। इसी दोनों में कितना फर्क है। जब बच्चा इस तरह से जवाब देगा,
साथी लोग बुरा जरूर मानेंगे, लेकिन वो आइडिया उनके मन में गहराई तक कौंध जाएगा, गहराई तक। इसलिए आज यहाँ, और बाद में वो लोग सोचेंगे, हाँ ये हमारा ये जो साथी है ये हमसे भिन्न है, इसका ये हमसे भिन्न इसलिए कि इसका नजरिया अलग है, और इसका नजरिया अलग इसलिए है कि हर चीज के पीछे जो कारण है उसे, उस कारण की पहचान है, और यदि हम उससे कोई बात, गलत बात करने को कहते हैं तो वो ना केवल मना करता है बल्कि उसका कारण बहुत सरल शब्दों में हमको बताता है। यदि सर्वेश्वर ने जब अपना वचन, जब अपनी आज्ञाएं अपने मैच्योर बच्चों को दी, तब उनको कारण देने की जरूरत नहीं होते हुए भी उनसे सिर्फ इतना कहना पर्याप्त था, ये परमेश्वर का वचन है, तुम इसको मानो, उसके बदले बहुत सारी आज्ञाओं के साथ परमेश्वर ने कारण दिया, क्योंकि इस कारण मैं और आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, तब कारण बताते चले गए, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर को दुखाना नहीं है, मम्मी डैडी का दिल दुखाना नहीं है, मम्मी डैडी तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए दिल दुखाना नहीं है। तो आज हमने ये जो पद पढ़े, आठवां, नवां, दसवां और ग्यारहवां पद, इनमें से जो दो तीन बातें हमने देखी उनको मैं फिर से याद दिला दूं। नंबर वन, यहूदियों को सामाजिक आज्ञा दी गई थी, उसके पीछे आत्मिक कारण थे। आत्मिक कारण यह था कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की तरफ की ओर भक्ति हो, हमारे जीवन में विनय हो, ये आज भी ये प्रिंसिपल हमारे जीवन में होना चाहिए। नंबर दो, मनुष्य को यदि पूरी आजादी दी जाती है तो अच्छे से अच्छा कर्म करने की आजादी होते हुए भी वो गलत से गलत कर्म जाके करेगा। आदम और हव्वा ने जीवन का वृक्ष खाने के बदले उस वृक्ष का फल खाया जो उनको मार डालने वाला। तीसरी बात, यदि परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी आज्ञाओं के लिए, बहुत सारी आज्ञाओं के लिए कारण दिया है, तो जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की ट्रेनिंग देते हैं तो कारण जरूर बताते चले जाएं, जिससे कि बच्चे किसी भी बात में भले बुरे के बीच में जांचें, तब उसका कारण जान सके कि क्यों, और जब जांच कर कारण जाने तो वे अपने साथी को बताएं, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी, आज नहीं तो कल परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगी। इस बीच मैंने अपनी गवाही शेयर की थी, क्यों मैं इतना दर्द सहने के बावजूद लंबी जिंदगी की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, साथ में यह भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु दर्द में नियंत्रण दीजिए। क्यों? इसलिए कि प्रभु के वचन में एक एक चीज के पीछे जो कारण है, पेंसिल डायरी लेकर इन चीजों का अध्ययन करने की आदत नवे क्लास में पढ़ी तो बीएससी आते आते मुझे ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे परमेश्वर ने एक निश्चित उद्देश्य के लिए बुलाया है। वो उद्देश्य भी धीरे धीरे क्लियर हो गया, वो स्पष्ट हो गया, इसलिए आज मैं दर्द के बावजूद हर दिन, हर नए दिन प्रभु की स्तुति करता हूं। इन सब बातों को जानकर, पहचान कर, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण से जीने, समर्पण के साथ जीने के लिए प्रभु मदद करे। एक बात क्लोजिंग में मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, पहला कदम पवित्र बाइबल, एक डायरी, एक पेंसिल, जब भी प्रभु के वचन का अध्ययन करे प्राइवेट में या जूम के सामने, तो पूर्ण समर्पण के साथ बैठकर पवित्र बाइबल खोलकर उसका अध्ययन करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उन सबको अनुग्रह दें।
प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।